पाकिस्तान में 15 अक्टूबर यानी आज से शंघाई सहयोग संगठन समिट शुरू होने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डिनर का आयोजन करेंगे और इसके साथ ही एससीओ समिट की शुरुआत करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में शामिल होने का न्यौता दिया था। करीब 9 साल बाद किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर हुए कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गई थी। शिखर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद में सेना तैनात की गई है। जेल में बंद विपक्षी नेता इमरान खान के सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है और विरोध प्रदर्शनों पर भी रोक लगाई गई है। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार से 3 दिनों के लिए इस्लामाबाद में छुट्टी घोषित की है। स्कूल कारोबार बंद रहेंगे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी इलाके में गश्त करेंगी। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार सेना के जवान रेड जोन को सुरक्षा करेंगे। इसका कारण इलाके में हो रहा शिखर सम्मेलन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सभी के लिए स्वागत रात्रि भोज का आयोजन किया है। साथ ही आपको बता दें कि चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग सोमवार को एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। 11 साल में किसी चीनी प्रधानमंत्री का ये पहला पाकिस्तानी यात्रा है। यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ बातचीत की भी उम्मीद लगाई जा रही है। आखिर में हम आपको बताना चाहेंगे कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में हुए एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन सीमा पर आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।